अब दिल दहला देने वाली दहशत की दास्तान कानपुर देहात से है, जहां दबंगों ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो पीड़ित परिवार को पुलिस ने थाने से बैरंग लौटा दिया। जिले के पुलिस विभाग के मुखिया इस मामूली मारपीट का मामला बता रहे हैं और इस घटना ने कानपुर देहात पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। और सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने रेप पीड़िता के परिवार की फरियाद क्यों नहीं सुनी और आखिर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तरहीर पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल क्यों नहीं करवाया। ना तो कोई रेप हुआ है ना कोई छेड़खानी हुई है। अभी तक जो थाने से मैंने पता किया उसके अनुसार दो पक्षी संगीता और दूसरा थी ममता, दोनों की बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसको लेकर मारपीट हुई है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा जो है 323-504 कर काम कराया है। दोनों को डॉक्टरी कराई जा रही है। दोनों का लिखित तहरीर पर NCR जो है काल कर दी गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।